नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टेडियम एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी हम लेकर आए हैं क्वेश्चन सेट सेकंड। अपरगामी तरंग का अपन ने थ्योरी पूरी पढ़ ली है, अब हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल सेक्शन। ध्यान रखना, थ्योरी से ज़्यादा ये वाला वीडियो और ये वाला लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि थ्योरी अपन ने पूरी पढ़ ली, कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, लेकिन जो रियल कंसेप्ट यहाँ से न्यूमेरिकल से ही क्लियर होंगे। तो देखो एक बार, पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। दोनों सिरों पर खुले एक ऑर्गन पाइप की लंबाई, जब मैं बात कर रहा था अभी कि अगर कोई पाइप है उसका दोनों एंड क्या है, दोनों एंड ओपन है, इसकी लंबाई कितनी बता रखी है, 0.5 मीटर। यदि वायु में ध्वनि का वेग कितना है, अपने एयर में दे रखा है ध्वनि का वेग 350 मीटर अपॉन सेकेंड, तो इस ऑर्गन पाइप के मूल स्वर की आवृत्ति, ध्यान रखना ये बता रहे कि अगर दोनों एंड खुले हैं तो इसका मूल स्वर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अपन ने बात कर ली F1। F1 कब निकालेंगे, जब इसका मूल स्वर, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी, जब ये दोनों ओपन है तो क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था, जब किसी पाइप का दोनों सिरे खुले हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V/2L, ये बताना है। आगे क्या बोल रखा है, तथा पाइप के एक सिरे को बंद कर दें, मतलब अपन ने क्या किया, इसको एक को क्या कर दिया, अपने एक को क्लोज कर दिया। अब बताओ, तो सिरे को बंद कर दे तो मूल आवृत्ति क्या होगी, अब अपने को F1 बताना है। F1 कब बताना, जब अपने को एक सिरा बंद कर दिया, अपने को बताया फॉर्मूला क्या होती है, V/4L, दोनों फ्रिक्वेंसी बतानी है, V अपने पास है, L अपने पास है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में सिर्फ फॉर्मूला है। तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला यूज हो रहा है, जब दोनों ओपन हो और एक ओपन हो। तो देखो एक बार, V की वैल्यू कितनी अपने पास, 350, L कितना है, 0.5, तो 2×2 0.5 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये कितना आ गया, 350। ध्यान रखना मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स को क्या लिखते हैं अपन, हर्ट्ज लिखते हैं ना, तो ये क्या आ गया, हर्ट्ज। सेकेंड देखो एक बार, जब अपने एक को बंद कर दिया, एक एंड को, एक सिरे को अपने बंद कर दिया, तो देखो V की वैल्यू, वेलोसिटी अपने को दे रखी है, अपॉन L अपने को दे रखा है, और जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 350/2, देखो 4×0.5 2 हो जाएगा, तो 175। सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स को क्या लिखते हैं, सेकेंड इनवर्स को हर्ट्ज। तो पहली अपने पास आ गई 350 और सेकेंड आ गई 175। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में क्रम का भी ध्यान रखना है, सीक्वेंस का। पहले क्या पूछा आपको, पहले पूछा है कि जब दोनों सिरे खुले हो तब मूल स्वर की आवृत्ति बतानी है, और सेकेंड क्या पूछा, जब एक को बंद कर दे तब मूल आवृत्ति बतानी है। तो पहले वाला ओपन वाला बताओ दोनों, तो 350, और बाद में दोनों एक को बंद कर दिया, तो दोनों को क्रम से बताना है, कहीं ऐसा मत कर देना 175 और 350। ध्यान रखना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक बंद ऑर्गन पाइप को यकायक खोलने पर बंद पाइप के द्वितीय अधिस्वरक और खुले पाइप के प्रथम अधिस्वरक में 100 हर्ट्ज का अंतर पाया जाता है, तो बंद पाइप की मूल आवृत्ति ज्ञात करो। देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, ध्यान रखना, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बंद पाइप की, और यहां पर है खुले पाइप की। अभी एक बात ध्यान रखना, बंद पाइप का मतलब यहां पर एक एक सिरा बंद है, और खुला पाइप मतलब दोनों सिरे खुले हैं। इन्होंने क्या बोला, बंद पाइप को यकायक, पहले क्या पाइप बंद था और उसको अचानक खोला, तो पाइप बंद था, तो ध्यान रखना मूल आवृत्ति क्या होती है, मूल आवृत्ति होती है V/4L, सेकंड क्या होती है इसका, 3V/4L, बाद में क्या होता है, 5V/4L, ये अपने को पता होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं नेचुरल टोन, इसको बोलते हैं फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, तो इसको बोलेंगे प्रथम अधिस्वरक। ध्यान रखना ये बात, अगर टोन की बात करते हैं तो इसको बोलेंगे प्रथम अधिस्वरक, और इसको क्या बोलेंगे हम, द्वितीयक या द्वितीय अधिस्वरक। देखो हार्मोनिक और अधिस्वरक में कंफ्यूज मत हो जाना, टोन अलग है, हार्मोनिक अलग है। यहाँ पे बात करते हैं खुले पाइप में, तो खुले पाइप में अपने को नेचुरल क्या मिली थी, V/2L, फिर क्या मिला था, फिर मिला था V/L, बाद में क्या मिला था, थर्ड मिला था अपने को 3V/2L।
तो इसमें ध्यान रखना, यह है मूल आवृत्ति, इसको बोलेंगे अपन प्रथम अधिस्वरक, और यह हो गया द्वितीयक अधिस्वरक। इन्होंने क्या बोला कि खुले पाइप के प्रथम अधिस्वरक और बंद पाइप के द्वितीय अधिस्वरक और खुले पाइप के प्रथम अधिस्वरक में कितना अंतर है 100 हर्ट्ज का। तो ले लो एक बार, चलो इसको सोल्व करते हैं। बंद पाइप का द्वितीय अधिस्वरक कितना हो गया 5V/4L, और प्रथम पाइप का खुले पाइप का प्रथम अधिस्वरक कितना हो गया V/L, अंतर कितना बताया 100 हर्ट्ज का। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा अपना V/, देखो अगर इसका 4L लघुतम लेते हैं तो ये आ जाएगा 4L, तो 4L आ जाएगा, तो ये इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा V/4L। ये कितना आ गया अपने पास 100 हर्ट्ज। पूछा क्या है, बंद पाइप की मूल आवृत्ति बताओ। ध्यान रखना बंद पाइप की मूल आवृत्ति क्या है V/4L, और जब अपन ने अंतर लिया तब अपने पास क्या आया V/4L। तो जो अंतर है, जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज का जो अंतर है वही तो है, ये जो अंतर है वही तो क्या है बंद पाइप का मूल आवृत्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा 100 हर्ट्ज। तो ध्यान रखना, कई बार इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें ध्यान क्या रखना, इसमें टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको बोले अधिस्वरक तो ध्यान रखना सेकंड हार्मोनिक होता है वो प्रथम अधिस्वरक होता है, और थर्ड हार्मोनिक है वो द्वितीयक अधिस्वरक। तो बात क्या करूंगा इसमें, ये हो गया मूल आवृत्ति, प्रथम अधिस्वरक और द्वितीयक अधिस्वरक। यहाँ पे खुले पाइप में मूल आवृत्ति, इसको क्या बोल देंगे, नोट कर लेना, अगर ध्यान रखना यही इसका कंसेप्ट है पूरा, इसको मूल आवृत्ति बोलेंगे प्रथम अधिस्वरक, और ये क्या हो गया, ये हो गया द्वितीय अधिस्वरक। तो इसमें अधिस्वरक बोले तो अलग लेना, टोन अलग है, और हार्मोनिक बोले फ्रिक्वेंसी बोले तो अलग है, ठीक। तो इसमें बस इतना बंद पाइप और खुले पाइप में फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का ध्यान रखना है, फॉर्मूला का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4-3 देखते हैं अपन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 512 हर्ट्ज की मूल आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई क्या होनी चाहिए। इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहला कि 0 डिग्री पर 512 अपने को मूल आवृत्ति, मूल इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, मूल आवृत्ति 512 हर्ट्ज। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग कितना होता है, अपने को पता है ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ये अपने को पता है। मूल आवृत्ति अपने को दे रखी है, अपने को बताना क्या है बंद और बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई क्या होनी चाहिए। यहाँ पे अपने को लंबाई पूछी है, तो ध्यान रखना मूल आवृत्ति कितनी होती है, बंद ऑर्गन पाइप की जो मूल आवृत्ति होती है F1 जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है V/4L। तो अब देखो F1 अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 512, V अपने को दे रखा है कितना है 332 मीटर पर सेकेंड, 4 पता है अपने को, L अपने को बताना है। जब अपन L इधर ले जाएंगे तो 332/4×512। अब ध्यान रखना ये 332 क्या है, 332 है यहाँ पर मीटर, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगा तो 100 का भाग दे दो, सॉरी गुणा कर दो। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ध्यान रखना इसको, अब ये मैथमेटिक्स, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो 16.2 सेंटीमीटर आंसर आता है। मीटर में बताओगे तो 0.162 मीटर, या सेंटीमीटर में बात करोगे तो 16.2 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना यहाँ पे बस आपको बंद पाइप का मूल आवृत्ति का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और 0 डिग्री पर वेलोसिटी कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में इसलिए दिया कि आपको इसकी मूल आवृत्ति पे क्वेश्चन हो जाए तथा आपका वेलोसिटी पर भी पता लग जाए, 0 डिग्री पर कितना वेलोसिटी होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। इसमें एक खुले पाइप के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति 3 मीटर लंबे बंद पाइप के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति के समान है, तो खुले पाइप की लंबाई बताओ। क्वेश्चन इजी है, ध्यान रखना सिर्फ फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके लैब असिस्टेंट में ज़्यादा टप क्वेश्चन नहीं आएंगे। अपरगामी तरंग में सिर्फ आपको फॉर्मूले ध्यान रहने चाहिए और इसके बेसिक कंसेप्ट आप ध्यान रखना, टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज मत हो जाना। तो चलो देखो खुले पाइप के प्रथम अधिस्वरक, ध्यान रखना खुले पाइप का V/2L,
v अपॉन l और v अपॉन क्या जाता है 2v अपॉन 3v अपॉन 2l इस तरह चलता है खुला पाइप का ये तो मूल आवृत्ति होगी और ये क्या हो गया प्रथम अधिस्वरक इन्होंने बोला कि v अपॉन ये एक खुले पाइप का मैंने लिख दिया उन्होंने बाद में क्या बोला कि बंद पाइप का प्रथम अधिस्वरक देखो बंद पाइप का देखो क्या होता है v अपॉन 4l फिर 3v अपॉन 4l तो बंद पाइप में प्रथम अधिस्वरक हो गया 3v अपॉन 4l इन्होंने यह बता रखा है इसको मैंने सी लिख दिया क्लोज है और ये ओपन है तो मैंने ओ लिख दिया इन्होंने बस इतना बता रखा है कि जो खुले पाइप का प्रथम अधिस्वरक है और बंद पाइप का जो प्रथम अधिस्वरक है वो दोनों क्या है समान है तो अपने को बताना क्या है खुले पाइप की लंबाई अपने को एल नोट बताना है वी से वी कैंसिल हो गया तो एल नोट क्या आ जाएगा एल नोट आ जाएगा इसको जस्ट अपोजिट कर दो तो 4lc अपॉन 3 अब देखो 4 इनटू बंद पाइप का लंबाई दे रखी है 3 मीटर लंबे देखो एक बार आपको दे रखा है 3 मीटर लंबा बंद पाइप तो पाइप की लंबाई कितनी है 3 मीटर अपॉन 3 3 से 3 कैंसिल हो गया कितना आ गया 4 मीटर तो आंसर क्या आ गया इस वाले क्वेश्चन का 4 मीटर तो चलो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दो तार ए और बी जिनकी लंबाई l1 तथा l2 है दोनों तार समान धातु से बने हुए हैं दोनों तार की मूल आवृत्ति समान है तथा तार ए की त्रिज्या तार बी की दोगुनी है तो अपने को क्या बताना है दोनों तार की लंबाई का अनुपात बताना है ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या मतलब ध्यान रखना है कि देखो दोनों की आवृत्ति क्या है सबसे पहले मैंने ले लिया तार ए यहां ले लिया मैंने तार बी दोनों की आवृत्ति क्या दे रखी है इसकी f1 हो गई और इसकी f2 मान लो दोनों को अपन समान रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है बाद में इसकी लंबाई कितनी है l1 इसकी कितनी माना अपन ने l2 माना और क्या दे रखा है इसमें धातु समान है ध्यान रखना दोनों तार की क्या है धातु समान तो एक ही धातु के सबसे पहले देखो मूल आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है जब भी अगर आप तार लेते हो तो मूल आवृत्ति का फॉर्मूला ध्यान रखना दोनों एंड आपको ओपन रखने हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास मूल आवृत्ति का फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन 2l रूट t अपॉन म्यू अब देखो यहां पे जो तार प्रथम तार की बात कर रहे हैं तार a की तो यहां पे लंबाई कितनी है l1 तो l की यहां पे अपन ने रख दिया देखो मैं यहां पे रख देता हूं यहां मैंने रख दिया 1 अपॉन l1 सॉरी 1 अपॉन 2l1 t ध्यान रखना तनाव यहां पे क्या है t क्या है यहां पर तनाव दोनों तार समान धातु के बने हुए हैं इसलिए तनाव इनमें दोनों में समान t अपॉन म्यू एक बार इसमें लिख दिया मैंने म्यू 1 अब देखो मैंने यहां पे t बराबर देखो t क्यों लिखा t इसलिए लिखा कि दोनों तार में t समान होगा क्योंकि मूल आवृत्ति दोनों के समान है इसलिए तनाव भी दोनों में क्या है समान नेक्स्ट देखो f2 तो 1 अपॉन 2l t अपॉन म्यू तो l की जगह क्या लिख दिया मैंने l2 और t दोनों में समान होगा और ये लिख दिया मैंने म्यू 2 अब मेरे को एक बात बताओ यहां पर जो म्यू 2 है म्यू 2 क्या है म्यू 2 है या म्यू 1 या म्यू 2 जो यहां पर है वो है द्रव्यमान घनत्व है और द्रव्यमान घनत्व क्या होता है यहां से देखना एक बार यहां पे द्रव्यमान घनत्व है उसको अपन क्या लिखते हैं उसको लिखते हैं अपन द्रव्यमान m अपॉन l टोटल द्रव्यमान अपॉन L इसको मैं क्या लिख सकता हूं ध्यान रखना इसको मैं लिख सकता हूं एरिया इनटू घनत्व लिख सकता हूं ना कैसे लिख सकता हूं देखो घनत्व क्या होता है m अपॉन v और v देखो ये एरिया हो गया ये वॉल्यूम हो गया जब इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पे नीचे लेंथ ही आएगा इसलिए ध्यान रखना जब भी अगर आप द्रव्यमान घनत्व को एरिया इनटू घनत्व लिख सकते हो द्रव्यमान घनत्व को अब सबसे पहले बात करते हैं हम तार ए की तो तार ए में देखो एक बार म्यू 1 देखो सबसे पहले
अपन एरिया की बात करते हैं, जो तार का एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा वृत्ताकार होगा, तो पाई आर वन का स्क्वायर। ध्यान रखना दोनों में घनत्व समान होगा क्योंकि एक ही धातु के बने हुए हैं। देखो एक बार, दोनों समान धातु से बने हुए हैं इसलिए दोनों का घनत्व क्या हो जाएगा, समान। इसको मैंने लिख दिया रो। म्यू टू की बात करो एक बार, यहाँ पे मैंने लिख दिया पाई आर टू का स्क्वायर, और रो क्या लिख दिया मैंने, में दोनों में समान। सेकंड क्या बता रखा है इन्होंने कि जो आर वन है, देखो तार ए की त्रिज्या तार बी की दो गुणी है, इन्होंने एक बात और बोल रखी है कि आर वन है वो टू आर टू, तार दो की दो गुणी है, जो तार बी है उसका दो गुणी है त्रिज्या, तो आर वन की जगह आप क्या लिख दो, टू आर टू। तो लिखो एक बार यहां पर, R1 की जगह अगर मैं 2R2 लिखता हूं तो ये आ जाएगा 2R2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4R2 का स्क्वायर और रो, ये आ जाएगा म्यू वन। म्यू वन की वैल्यू आ गई, म्यू टू की वैल्यू आ गई, सारा अपन यहाँ पे पुट करो एक बार। जब आप इसमें पुट करोगे तो देखो एक बार, सबसे पहले मैं इनको दोनों को देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, मूल आवृत्ति समान है, इसका मतलब एफ वन बराबर एफ टू है। तो रखो एक बार, एफ वन मैंने लिखा वन अपॉन टू एल वन रूट टी अपॉन म्यू वन, म्यू वन को लिख दो फोर पाई आर टू स्क्वायर अपॉन रो। एफ टू कितना है, वन अपॉन टू एल टू टी अपॉन, देखो एक बार पाई, म्यू टू की वैल्यू कितनी है पाई आर टू का स्क्वायर इंटू रो। सारा कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, अब बस सिर्फ मैथमेटिक्स बची है। टू से टू कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर टू स्क्वायर से आर टू, ये क्या बचा वन अपॉन एल वन। देखो ये फोर बाहर आ जाएगा तो टू आ जाएगा, टू बराबर वन अपॉन एल टू, यही बचा अपने पास, सारा कैंसिल हो गया, तो एल टू अपॉन एल वन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू, और ये अपना आंसर। अपने को बताना क्या था, अपने को बताना था कि तार बी की लंबाई तथा तार ए की लंबाई का अनुपात एल टू अपॉन एल वन बताना, तो एल टू अपॉन एल वन क्या आ जाएगा अपने पास, दो। तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ये देखो, ये मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा इसमें समय लगा है, लेकिन जब आप करोगे तो आपको सीधा यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है और जो रिलेशन बता रखा है वो रिलेशन पुट आउट करना है यहाँ पे, जो अगर आप पुट करोगे तो डेफिनेटली आपका सही आंसर आएगा। तो अभी मैंने अपरगामी तरंगे पांच क्वेश्चंस बता दिए हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विस्पंद बीट्स, और बीट्स के फिर अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेट करेंगे, और फिर पढ़ेंगे अपन डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, और उसके अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखना और क्वेश्चन सेट सोल्व करना। थैंक यू वेरी मच।